इशरत जहां केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में डीजी बंजारा और पीपी पांडे को आरोपी बनाया गया है। नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अमित शाह का नाम चार्जशीट में नहीं है। सीबीआई ने इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताया है। चार्जशीट में हत्या और हत्या की साजिश का जिक्र है। इशरत जहां के परिवार ने कहा है कि हमें चार्जशीट से अधूरी खुशी मिली। केंद्र सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एफिडेविट के मुताबिक अब तीन लोगों की एक कमेटी सीबीआई निदेशक का चुनाव करेगी। कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। एफिडेविट के मुताबिक अब सीबीआई डायरेक्टर को सीवीसी की सलाह पर सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकेंगे। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। गेहूं 2 रूपये और चावल 3 रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। झारखंड में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और जेएमएम में सहमति बन गई है। आज रात तक फैसले का औपचारिक ऐलान हो सकता है। खबर यह है कि सोनिया आखिरी वक्त में सरकार बनाने पर राजी हुई। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को दिल्ली प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनाथ सिंह ने गडकरी को दिल्ली समेत 2 और राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाने को कहा है। मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग की चपेट में बिल्डिंग में मौजूद नारकोटिक्स विभाग का दफ्तर भी आया। मुंबई में 4 ट्रकों से बरामद कैश की गिनती का काम पूरा हो गया है। आयकर विभाग के डीजी के मुताबिक 102 बैग्स में 10 करोड़ रुपए रखे गए थे। फिलहाल गहनों की कीमत का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली के संगम विहार में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिस वाले शराब माफिया के घर पर छापा मारने के लिए गए थे। पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी की गई। लाठी डंडे भी चले। दुमका नक्सली हमले में शहीद पाकुड़ के एसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी गई। कल काचीकुंड इलाके में घात लगाकर नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। दिल्ली में अब 1 लाख रुपए से कम कमाने वाले परिवारों को भी अनुश्री योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि इन परिवारों का राशन के लिए हर महीने 600 रुपए मिलेंगे। दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में 11वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की को 3वीं मंजिल से फेंक दिया। मऊ से तंग आकर दिल्ली में एक बुजुर्ग ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। यमुना विहार में रहने वाली इस बुजुर्ग ने राष्ट्रपति को खत लिखा। यूपी के महाराजगंज से 11 संदिग्ध पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है। नेपाल के रास्ते ये लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वाराणसी में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। यूपी के रामपुर में 6 साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर वालों की आशंका है कि हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे थाने में लूटपाट के बाद एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त महिला घर में अकेली। दिल्ली के लाजपत नगर में कुरियर बॉय बनकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने घर में रह रही अकेली बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया। लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी लेकर ये फरार हो गए। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण एमपी के पंचमढ़ी में सैकड़ों सैलानी फंस गए हैं। भारी बारिश की वजह से दनेबा नदी उफान पर है। अगले महीने से आपकी ईएमआई कम हो सकती है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि जुलाई से सभी बैंक कर्ज के बेस रेट में कटौती करेंगे। ट्राई सीरीज में श्रीलंका ने भारत को 161 रनों से हरा दिया। श्रीलंका ने टीम इंडिया को 349 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पूरी टीम 187 रन पर सिमट आई। अपनी नई फिल्म के रिलीज से पहले अभिनेत्री पूनम पांडे शिरडी पहुंची। साई के दर्शन के बाद पूनम ने कहा कि फिलहाल उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पुणे की अरवदा जेल में बंद संजय दत्त उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं। संजय की फिल्म पुलिसगिरी की चैरिटी स्क्रीनिंग की जाएगी। शाहरुख खान जल्दी साइको किलर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में किंग खान किलर की भूमिका निभाएंगे।